गुड मॉर्निंग क्लास 11। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों का फाइनल टर्म का असेसमेंट होने वाला है और सारे पाठ पढ़ाए जा चुके हैं। और पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को इसका जो सिलेबस है वह आपके स्काइप पर दे दिया था, फिर भी कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित थे, जिनके लिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से पाठ आएंगे। ये सारे पाठ मैंने टाइप करके आपके ई पोर्टल पर अपलोड कर दिया है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं कि कौन कौन से पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आरओ भाग एक जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, उसमें से जो पाठ पूछे जाएंगे, जिन पाठों से प्रश्न रहेंगे, उनमें है नमक का दारोगा, मियाँ नसीरुद्दीन, गलता लोहा, स्पीति में बारिश, जामुन का पेड़ और भारत माता। ये आपके गद्य खंड से हैं। काव्य खंड से जो पाठ रहेंगे वे हैं कबीर, कबीरदास के जो दोनों पद हैं, मीराबाई, जो मीरा के पद हैं दोनों, वे आंखें, घर की याद, गजल, आओ मिलकर बचाएं। तो ये हुआ आपके आरओ भाग एक से पाठ, जो आपकी पूरा पाठ्य पुस्तिका है। वितान भाग एक, उससे जो पाठ रहेंगे वे हैं भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, राजस्थान की रजत बूंदे, आलो आंधारी। ये तीन पाठ आपके जो पूरक पाठ्य पुस्तिका है वितान, उससे इनमें इन पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका जो व्याकरण भाग है उससे जो प्रश्न रहेंगे वे हैं अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, रचनात्मक लेखन जो दी गई स्थिति या घटना के आधार पर होगी, पत्र लेखन जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक पत्र रहेंगे, व्यवहारिक लेखन जिसमें प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची या कार्यवृत्त, जनसंचार शब्दावली, जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता के विविध आयाम। तो ये आपके व्याकरण भाग से पाठ हुए। आशा करता हूँ आप लोगों को सिलेबस समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये सारे ही पाठ मैंने और सर ने मिलकर पढ़ा दिया है, सारे ही पाठ पढ़ाए जा चुके हैं। और पाठों को पढ़ाते समय ही हम लोगों ने किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी भी चर्चा कर दी है। अगर फिर भी कोई आप लोगों के मन में प्रश्न हो या कोई समस्या हो तो आप लोग ई पोर्टल पर लिखिएगा, हम लोग आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और कुछ प्रश्नोत्तरों की चर्चा करते हैं। ये सारा सिलेबस मैंने ई पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वहाँ से भी लिख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं।